दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस तरह के रिंग लाइट वाले वीडियो आप किस प्रकार बना सकते हैं जो टिकटॉक पे काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। अब जैसा कि देख सकते हैं, भाई ने वीडियो बनाया है, इस वीडियो पे 14 मिलियन 15 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफी ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। और इस तरह की वीडियो बनाना बिल्कुल सिंपल है। आपको कैसे बनाना है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले सॉन्ग पे आपको वीडियो शूट करना है, तो आपको ग्रीन स्क्रीन में वीडियो शूट, जैसा कि देख सकते हैं मैं भी जो वीडियो शूट करता हूँ ग्रीन स्क्रीन में ही शूट करता हूँ। तो आपको वीडियो को ग्रीन स्क्रीन में शूट करना है। शूट करने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, आपको सिंपल वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे आपको एडिट करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है और आपको ये वाली बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कलर एडजस्टमेंट पे आएंगे और आपको यहाँ पे कलर एडजस्ट कुछ इस तरह से कर लेना है। इसके बाद डन करते हैं, फिर से वीडियो कलर पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आना है और इसे आपको इनेबल कर देना है। अब आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको फुल साइज में कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक रिंग लाइट PNG का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आना है, ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। इसके बाद डन करते हैं। डन करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको व्हाइट कलर का कुछ दिख रहा है। वीडियो कलर पे क्लिक करेंगे, इसे आपको कुछ ऊपर जो व्हाइट कलर का दिख रहा था उसे आपको कुछ इस तरह से क्रॉप कर देना है। इसके बाद डन करते हैं। वीडियो कलर पे क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से फुल साइज में एडजस्ट कर देना है। फिर से वीडियो कलर पे क्लिक करते हैं और कुछ इस तरह से अपने हिसाब से जूम इन जूम आउट कर सही से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ और देख सकते हैं फाइनली मेरा एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद डन करेंगे। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने और एक गर्ल वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आना है नीचे की तरफ, यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करना है, इसे आपको इनेबल करना है और कुछ इस तरह से आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है और नीचे की तरफ से आपको कुछ इस तरह से क्रॉप कर देना है कुछ ऊपर की तरफ से। इसके बाद डन करते हैं। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है और बिल्कुल इसे सेंटर में जूम इन जूम आउट कर सही से एडजस्ट आपको कर देना है। अब आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और इस वीडियो का ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे ग्रीन स्क्रीन में उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने वीडियो शूट कर रखा और सेम साउंड पे वीडियो को शूट कर रखा हूँ, तो आपको भी सेम साउंड पे वीडियो को शूट कर लेना है। एक मोबाइल फ़ोन में वीडियो को आपको प्ले कर देना है और दूसरे मोबाइल फ़ोन से सेम साउंड पे वीडियो को शूट कर लेना है। तो मैंने टिकटॉक के साउंड पे टिकटॉक एप्लीकेशन से डायरेक्ट शूट किया हूँ। यदि आप डायरेक्ट शूट नहीं किए हैं, यदि कुछ एक्स्ट्रा पाथ है तो वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, आपको एक से दो बार प्ले कर देख लेना है। कैची के निशान पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट है तो ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे और राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो ट्रिम टू राइट कर देंगे। इस तरह से वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, आप वीडियो जब भी शूट करेंगे तो फुल बॉडी में शूट करना है। तो मैंने यहाँ पे हाफ बॉडी में शूट किया हूँ इसलिए हमें साइड में एडजस्ट करना पड़ रहा है। यदि आप फुल वीडियो में शूट करेंगे तो आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। और वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपको लाइटिंग को ध्यान रखना है, तभी आप प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। इसके बाद वीडियो को कुछ इस तरह से साइड में एडजस्ट कर देना है। इसके बाद नीचे की तरफ आना है और आपको सबसे पहले इसे हल्का जूम कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रोमा की का, क्रोमा की को इनेबल करेंगे, कलर की पे आने हैं और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। यदि बैकग्राउंड में कोई अदर कलर यूज कर रहे हैं तो अदर कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद शो मास्क पे क्लिक करना है और आपको ध्यान रखना है, ये जो आप देख सकते हैं आपको फेस को सही करने के लिए होता है, ये जो होता है बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए होता है, तो आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। बैकग्राउंड जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा था वो आपको ब्लैक कलर का हो जाना चाहिए, आपका बॉडी जो है वाइट हो जाना चाहिए। इसके बाद शो मास्क पे क्लिक करते हैं। अब आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे और फाइनली आपका वीडियो तैयार भी हो चुका है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। यदि कोई इफेक्ट देना चाह रहे तो यहाँ से आप इफेक्ट भी दे सकते हैं। लेयर पर आना है
और यहाँ पे आपको ओवरले पे क्लिक करना है और बहुत सारे इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से सिंपल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक इफेक्ट लगा कर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इफेक्ट को ऐड किया हूँ। तो आपको इस तरह से इसे जूम कर लेना है। तो आप वीडियो जब प्ले करेंगे तो आपका वीडियो में कुछ इफेक्ट इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से इस तरह के वीडियो आप बना सकते हैं। और एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है उसे आपको थीम टू राइट कर देना है। शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ। सिंपल आपको उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल साइलेंस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।